अगर हम आपसे पूछें कि जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में से किसका आदेश सबसे बड़ा होता है, तो आप बिना किसी देरी के बता देंगे कि भैया उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा है और उसका आदेश ही सर्वोच्च है। लेकिन बांदा से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां मौलवी साहब ने ना तो सरकार के बनाए कानून को माना और ना ही कोर्ट कचहरी के आदेशों को। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मौलवी साहब ना तो सरकार के कानून को मानते हैं और ना ही कोर्ट के आदेश को। तभी तो मौलवी साहब को पता नहीं कौन से मच्छर ने काट लिया जो मौलवी साहब उसी अपहरणकर्ता के साथ 11 साल की नाबालिग लड़की का निकाह कराने लगे जिसने इस नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। दरअसल बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र के सांडा सानी निवासी साहिल ने एक 11 साल की नाबालिग का अपहरण किया और उसे पुणे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वही परिजनों ने साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जिसके बाद पुलिस साहिल की तलाश में जुटी थी। तभी पता चला कि साहिल के घरवाले आरोपी साहिल और नाबालिग का जबरन निकाह पढ़वा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर बबेरू पुलिस ने सोमवार शाम 5:30 बजे सिमोनी गांव निवासी अनवर के घर पर छापा मारा जहां से नाबालिग पीड़िता को बरामद कर लिया गया। वहीं निकाह करा रहे मौलवी मोहम्मद हसन उर्फ हारून, जान मोहम्मद, अब्दुल रशीद, राशिद अली, किस्मतुल निशाद साहिल की मां, नफीस, अनवर और शब्बीर उर्फ मुन्ना साहिल के पिता को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बबेरू थाने के एक गांव की 11 वर्षीय मुस्लिम बालिका को 24 वर्षीय एक मुस्लिम युवक द्वारा अपहरण करके बलात्कार करने तथा उसी बलात्कारी युवक के साथ निकाह पढ़वाने के आरोप में मौलवी सहित अन्य 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके अपहरण, बलात्कार तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं में जेल भेजने की कार्यवाही बबेरू पुलिस द्वारा की गई है। फिलहाल नाबालिग का निकाह करा रहे मौलवी साहब अब जेल की हवा खा रहे हैं। साथ ही नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोपी के परिवार वाले भी किए की सजा भुगत रहे हैं। बांदा से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता रामजी की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।